सतियों, आज माननीय कांचीराम साहब का स्मृति दिन है। स्मृति दिन पर सभी बहुजनों को अभिवादन करता हूं। माननीय कांचीराम साहब के संदर्भ में और उनके आंदोलन के संदर्भ में जो आने वाली पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए, ताकि हमारे महापुरुषों का इतिहास दुश्मन मिटाने का प्रयास करता है, तो हमें निरंतर हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे महापुरुषों के संदर्भ में जानकारी देते रहना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि बामसेप के तीनों संस्थापक माननीय डी के खापड़े साहब के साथ काम किया, माननीय कांचीराम साहब के साथ काम किया और माननीय दीना भाना जी के साथ काम किया, और उनका अधूरा कारवां वर्तमान में नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब के साथ भी लगातार 25 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मेरे कार्यकर्ता को मैं बताना चाहता हूँ। आमतौर पर समाज की ये मानसिकता है और समाज की ऐसा सोच दुश्मनों के द्वारा बनाई गई है कि केवल महापुरुषों की जय जयकार करो, उसमें ही अपने आप को गौरवंत साबित करते हैं, गौरव महसूस करते हैं। एक प्रकार से भक्तों की तरह हम लोग काम करते हैं। वास्तव में मिशन को अगर पूरा करना है तो अनुयायियों की तरह काम करना चाहिए। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, अनुयायी और भक्त में क्या अंतर है। अनुयायी केवल अनुयायी महापुरुषों के अधूरे काम को पूरा करने के लिए निरंतर अपना जिंदगी लगाते हैं, और भक्त केवल उनकी प्रशंसा कर वो जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं अनुयायियों के संदर्भ में। 1882 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने अंग्रेजों के सामने, हंटर कमीशन के सामने प्रतिनिधित्व की मांग की। लेकिन 26 जुलाई 1902 में छत्रपति शाहू जी महाराज ने 50% तो रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया, प्रतिनिधित्व दिया। ज्योतिराव फुले मांग कर रहे थे, अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे, अवसर मिला तो शाहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर संस्थान में उसको लागू कर दिया। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का बिल्कुल किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं हुआ था, लेकिन अवसर मिला तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में प्रोविजन कर दिया प्रतिनिधित्व की। मतलब निरंतर अधूरा कार्य पूरा करने के लिए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का कार्य पूरा करने के लिए बाबा छत्रपति शाहू जी महाराज ने प्रयास किया। छत्रपति शाहू जी महाराज के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रावधान किया। ये बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ी इसमें हमें प्रेरणा मिलती है कि महापुरुषों का जो अधूरा काम पूरा करते वही अनुयायी है। अब कांचीराम साहब का, माननीय कांचीराम साहब का कौन सा अधूरा कार्य है ये जानना जरूरी है, और कौन सा उन्होंने कार्य किया। तो सबसे पहले उनकी अगर उपलब्धियां में अगर बताया जाए
तो जिन पढ़े लिखे वर्ग को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने निर्माण किया, उन पढ़े लिखे वर्ग को बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि ये धोखेबाज लोग हैं। 18 मार्च 1956 को ये पढ़े लिखे लोगों के अंदर, समाज के पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये एहसास निर्माण करना चाहते थे कि समाज के प्रति आपका दायित्व है। वो समय और उम्र के मुताबिक रियलाइजेशन नहीं करवा पाए या एहसास नहीं करवा पाए। वो कार्य माननीय कांशीराम साहब ने अपने हाथ में लिया और पेबैक टू सोसाइटी, सामाजिक ऋण अदा करने का एहसास पढ़े लिखे वर्ग में पैदा कर दिया, जिसकी वजह से यह आंदोलन कामयाब हो रहा है। बाबा साहब एहसास पैदा करना चाहते थे, नहीं हो पाया। कांशीराम साहब ने जीवन लगाकर उस एहसास को निर्माण किया और वो कार्य को आगे बढ़ाया, बड़ी उपलब्धि है। नंबर दो की उपलब्धि उनकी है कि बाबा से डॉक्टर बाबा से अंबेडकर के जाने के बाद समाज का यह विश्वास टूट चुका था कि हम सत्ता तक पहुंच सकते, सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। उस टूटे हुए विश्वास को दोबारा आत्मविश्वास में परिवर्तित किया और 3 बार उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल करके दिखाया। नंबर 3, उन्होंने अर्थात डॉक्टर उन्होंने अर्थात माननीय कांशीराम साहब ने साधन संसाधनों का कभी बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास अगर ये होता तो मैं ये कर देता। छोटे साधनों से, साइकिलों से भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, साधनों का बहाना नहीं बनाया। माननीय कांशीराम साहब ने परिवारवाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया। खापड़े साहब ने भी परिवारवाद को, माननीय खापड़े साहब ने भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। माननीय डिंडा माना ने भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। जैसे वर्तमान में आजकल थोड़ा सफल होने के बाद वो परिवारों की जागीर बन जाती है, संगठन हो या आंदोलन हो। इस संदर्भ में आप माननीय कांशीराम साहब के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता। माननीय कांशीराम साहब ने के ऊपर भारत में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा ले। इसीलिए उन्हें सीबीआई का डर नहीं था, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं था। वो अपना प्लानिंग खुद बनाते थे, अपनी रणनीति खुद बनाते थे। उसको गॉडफादर की जरूरत नहीं थी। वो अपनी प्लानिंग अपने ऑब्जेक्ट के लिए खुद बनाते थे। जो हजारों जातियों में बटा हुआ समाज, उनमें 6,000 जातियों को जोड़ने का अपने निरंतर जवानी और जिंदगी लगाकर प्रयास किया भाईचारा पैदा करने में। उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में उस समय के सबसे बड़े कैपेबल लीडर थे, सक्षम नेतृत्व था। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इतिहास में भी, या थोड़ा बहुत उनके संदर्भ में जानकारी रखते होंगे, तो उनके पास अटल बिहारी जाते थे, मुरली मनोहर जोशी उनके पास जाते थे, उनके पास शरद पवार जाते थे, उनके पास मुलायम सिंह जी जाते थे, उनके पास लालू प्रसाद यादव जी जाते थे, उनके पास नरसिंह राव जी जाते थे, उनके पास राजीव गांधी जी जाते थे। समकालीन नेताओं में सबसे ज्यादा योग्यवान नेता थे। मुझे जब अवसर मिला कुछ समय के लिए शरद यादव के साथ, हमने जब हमारी पार्टी का विलय किया था, अवसर मिला था, तो मैंने उस समय शरद यादव जी को पूछा था
कि माननीय कांचीराम साहब से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया दो बार मुलाकात हुई, दो बार उन्होंने समझाया, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया ब्राह्मणवाद क्या है। इस्तेमाल होने के बाद हमको समझ में आया। एनडीए का चेयरमैन बनाया, 17 साल इस्तेमाल हो गया, उसके बाद हमको उनकी बात अब समझ में आ रही है। कहने का मतलब इतना फोरसाइट था उनके पास, दूरदर्शी थी। उसके साथ माननीय कांचीराम साहब ने जो मनुस्मृति महिलाओं को आखिरी पायदान पर रखा हुआ है, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए 3 बार महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया, ये बात अलग है। उस महिला को अभी कांचीराम जी की जरूरत नहीं है, परशुराम जी की जरूरत है, ये बात अलग है। अब कांचीराम साहब नहीं, परशुराम की आवश्यकता लग रही है। उन्होंने अपने समाज को देने के लिए सारा, उन्होंने समाज से कलेक्ट किया सारा साधन संसाधन, जो संगठन जो आंदोलन समाज से कलेक्शन नहीं करता और तामझाम करता है, समझ जाना पर्दे के पीछे कोई है। आजकल कांचीराम साहब के नाम पर बहुत सारे संगठन चला रहे हैं, बहुत सारे उनके अनुयायी बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन है जो संगठन की पावती और पर्ची फील्ड में है ही नहीं हो रहा, बहुत बड़े बड़े तामझाम कर रहे हैं, तो साधन कहां से आ रहा है? इस संदर्भ में समाज को सोचना चाहिए, समझना जरूरी है। और माननीय कांचीराम साहब का मिशन चलाना है तो दो बातों को हमेशा जिंदगी भर याद रखना होगा, विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर उन्होंने जाति विहीन समाज की बात की ही, तो उन्होंने अपने पर ठप्पा नहीं लगाया द ग्रेट चमार, आप बहुजन भी बने रहना चाहते हो, चमार भी बने रहना चाहते हो, दलित भी बने रहना चाहते हो, विचारधारा में क्लियरिटी होनी चाहिए अगर उनका मिशन चलाना है तो। विचारधारा में उन्होंने बिल्कुल मिलावट नहीं की, कभी भी मिलावट नहीं की। जब उनको समझ में आया, आपको एक एग्जाम्पल में बताना चाहता हूं, अभी अभी कल ही रामविलास पासवान जी का परिनिर्वाण हुआ, देहांत हुआ, तो घटना एक मुझे याद आ गई, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब माननीय कांचीराम साहब बिहार आए थे उस समय, तो उनकी मीटिंग में दलित सेना के लोगों ने हंगामा किया था, नारे लगाए थे, उस समय नारे लगाए थे कि बच्चा बच्चा भीम का पासवान की टीम का उनको चिढ़ाने के लिए नारे लगे थे। और माननीय कांचीराम साहब ने जैसे ही प्रबोधन किया, स्पीच शुरू किया कि नारे अच्छा लगा रहे, बच्चा बच्चा भीम का पासवान की टीम का, पासवान किसकी टीम का? आरएसएस की टीम का, बीजेपी की टीम का, कांग्रेस की टीम का? अगर आप अपने आप को दलित कहते हो तो आप आइसोलेट होते हो, केवल शेड्यूल कास्ट तक आइसोलेट होते हो, आप मेजोरिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दलित शब्द बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ नहीं है, संवैधानिक शब्द। आप दलित कहते हो, आप अपनी जड़ों को संकुचित करना चाहते हो, आप आइसोलेट होना चाहते हो, दुश्मन आपको आइसोलेट कर रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर दलितों का नेता, महाराष्ट्र का नेता, महारो का नेता, आइसोलेट करना दुश्मन चाहता है। आप दलित तो अगर अपने आप को कहते हो तो आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण के विरोध में काम कर रहे हो,
उन्होंने बहुजन का कॉन्सेप्ट दिया, तो आज उनके मिशन अनुयायी का दावा करने वाले दलित की बेटी, दलित का बेटा, विचारधारा में उन्होंने मिलावट कभी नहीं की। आपको विचारधारा में क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर उनका मिशन चलाना चाहते हो तो बहुजनों को लीड करने के लिए सर्वजनों की जरूरत नहीं है। 85% की बात भी कर रहे हो और उनको अपना रहनुमा भी बना रहे हो तो ये तो धोखेबाजी हो जाएगी मिशन के साथ। तो ये जो उन्होंने जो आंदोलन चलाया है, उस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीखने को यह मिला है कि उन्होंने 97 में उन्होंने पार्लियामेंट में ही स्पीच किया कि सामाजिक क्रांति के बगैर राजनीतिक क्रांति सफल होने वाली नहीं है। तो सामाजिक क्रांति की जड़ें लगाने के लिए आपको विचारधारा से प्रेरित होना होगा, वो शासक बनाना चाहते थे, बाबा साहब का अधूरा सपना शासक बनाना चाहते थे, शासक वर्ग में परिवर्तित करना चाहते थे और इसके लिए वोट को अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने कहा जो शासक होता है उनकी बहन बेटियों पर बलात्कार नहीं होते, उनका अपमान नहीं होता, उनका शोषण नहीं होता, उनको अधिकार वंचित नहीं किया जा सकता। अभी ये जगह जगह बलात्कार के किस्से चल रहे हैं, चाहे आथरस हो, बलरामपुर हो, राजस्थान हो, जगह जगह ये चल रहे हैं किस्से, उसके द्वारा उसके विरोध में आंदोलन चला रहे लोग, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर शासक बनना चाहते हो तो वोट आपके ज्यादा है और वोटों के अधिकार को ईवीएम ने समाप्त कर दिया है। इसी वजह से जुल्म हो रहा है, इसी वजह से अन्याय हो रहा है, इसी वजह से शोषण हो रहा है, इसी वजह से बलात्कार हो रहे हैं। उस ईवीएम से ध्यान हटाने के लिए सारा मीडिया लगा हुआ है। अब ये जो आथरस की घटना है और भी लगातार घटनाएं, मुझे लग रहा है प्रायोजित घटना है, प्रायोजित करवाने वाली घटना है, प्रायोजित घटना है, करवा रहे हैं। क्यों, इसमें क्या हुआ है? सारे एपिसोड में मीडिया बड़े पैमाने पर हंगामा मचा रखा है। सबसे पहले किसान विरोधी 3 अध्यादेश को सेकेंडरी कर दिया, मामला ही खत्म कर दिया, इश्यू को परिवार तक सीमित कर दिया। जो पंजाब में ट्रेनें बंद है, हरियाणा में ट्रेनें बंद है, नेशनल लेवल पर इश्यू बनने वाला था, उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया मीडिया ने। सारे सबूत साथ में आ गए, कौन से आजाद भारत में हम लोग रह रहे? अरे परिवार कह रहा है कि हमें यहां नहीं रहना है, यहां से जाकर हम कहीं भी रहेंगे, उसको बंधक बनाकर रखा इस आजाद भारत में। इस आजाद भारत में बंधक बना के रखा है परिवारों को, आर्टिकल 19, जहां भी रहना चाहते रह सकते हैं, जहां जाना जा सकते हैं, बंधक बना के रखा हुआ है सरकारों ने। बड़े पैमाने पर मीडिया प्रोपोगंडा कर रही है। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये मुझे लगता है शासक की जाति के लोगों ने प्रीप्लानेट करवाया है, इसकी वजह से प्रशासन की इतना हौसला बुलंद है। रातों रात उनकी बॉडी को जलाया जाता है परिवारों को कहने के बगैर, प्रशासन के माध्यम से सारा, अभी तो सारा जानकारी आपके सामने है। इसमें 3 बड़ी घटनाएं छुप गई, 3 किसानों का किसान विरोधी अध्यादेश छुपा दिया गया जो पूरे भारत में नहीं तो अभी तक फैल गया होता। नंबर 2, 30 सितंबर को जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, लाल कृष्ण अडवाणी बरी हो गए, उमा भारती बरी हो गए, मैंने कटियार बरी हो गए कि बाबरी मस्जिद गिराने में किसी का भी षड्यंत्र नहीं था, अपने आप गिर गई, अपने आप हवा में गिर गई।
और भारत की जीडीपी है क्या अपने आप गिर गई? ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, ये दुनिया में चौंकाने वाला जजमेंट हो सकता था, उसके ऊपर पर्दा हो गया। इतनी बड़ा जजमेंट, इतना बड़ा जजमेंट अगर सारे सबूत होने के बावजूद भी उनको कोई सजा नहीं हुई 28 साल में। तीसरा, भारत की जीडीपी -23 पहुंच गई। चौथा, बिहार इलेक्शन में ईवीएम से ध्यान हटाने का कार्यक्रम है। कोरोना के नाम पर बहुत सारा षड्यंत्र केंद्र सरकार ने किया। श्रम कानून बना दिया, किसानों को विरोध में कानून बनाया, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, बहुत सारे कानून बना दिया। ये सारी मनमानी ईवीएम की वजह से हो रही है। इस ईवीएम के विरोध में बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं ये क्रिटिसाइज के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये जो आप बता, ये परिणाम है, ये परिणाम है, कारण ईवीएम है। ईवीएम की वजह से पूरा का पूरा आपका बहुजन समाज शासक वर्ग अभी बन नहीं सकता। जब तक ईवीएम है तब तक आप शासक नहीं बन सकते हो। आप प्रस्तावित लोगों को या उनके एजेंटों को डर लगता है कि हम ईवीएम के विरोध में बोलेंगे तो चुनाव आयोग हमारा भी रिजल्ट, चुनाव आयोग हमारी पार्टी के विरोध में रिजल्ट नहीं निकालने देगा या हमारे विरोध में भी साजिश होगी, इसीलिए बोल नहीं रहे। और माने और कांशीराम साहब शासक वर्ग बनाने के लिए बोले थे कि शासक वर्ग बन जाओ तो आपकी बहन बेटियों पर बलात्कार नहीं होगा। ये देश की मीडिया, ये देश का ब्राह्मणवादी तंत्र बहुत बड़े बड़े पैमाने पर डाइवर्ट करते हैं। 10% सवर्णों को रिजर्वेशन देंगे केवल बोला, पटेल आंदोलन गायब। जो हार्दिक पटेल बीजेपी के सरेंडर नहीं हुआ वो कांग्रेस के सरेंडर हो गया। जो जिग्नेश मेवाणी बीजेपी के विरोध सरेंडर नहीं हुआ, कांग्रेस के सरेंडर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अल्पेश ठाकुर बीजेपी के सरेंडर नहीं हुआ, कांग्रेस के सरेंडर हो गया। आजकल कांग्रेस गेम खेल रही है, आपको मालूम है सारा तंत्र चल रहा है। कभी प्रियंका गांधी डॉक्टर कफील खान के परिवार को मिलने सहानुभूति जता रही है, कभी प्रियंका गांधी चंद्रशेखर आजाद हॉस्पिटल में एडमिट होते वहां चले जाते, बगैर बताए चले जाते हैं। कभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाते हैं हंगामा करने के लिए, पार्लियामेंट में कानून बनाते नहीं। निजीकरण के विरोध में सारा कांग्रेस ने खेल किया, जिस कांग्रेस को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था जलता हुआ घर है, उस कांग्रेस को माननीय कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया था, दोबारा वह खड़े होने लायक नहीं रही। वो कांग्रेस पैसा की ढूंढ रही है, अलग अलग नेताओं के कंधे का इस्तेमाल करने के लिए। सावधान हो जाना बहुजनों, कांग्रेस कंधे तैयार कर रही है, उन कंधों का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस कर रही है। जिस कांग्रेस को बिहार के लोगों ने समाप्त किया, वो कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई। कांग्रेस की औकात नहीं हो रहा, इतने सीटें दबा दी। ये सारा ईवीएम का खेल है। अगर इस बहुजन समाज को शासक वर्ग में तब्दील करना चाहते हो तो माननीय कांशीराम साहब के स्मृति दिन पर SC ST OBC माइनॉरिटी का आंदोलन चलाओ, बहुजनों के नाम पर चलाओ, दलितों के नाम पर मत चलाओ, बहुजनों के नाम पर चलाओ। अगर माननीय कांशीराम साहब का आंदोलन चलाना चाहते हो, सफल करना चाहते हो, तो आपके आंदोलनों में ब्राह्मणों को प्रवेश मत दो। ये हम नहीं कह रहे, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 4 दिसंबर 1954
बाबा साहब का स्टेटमेंट है, कांतिराम साहब का भी स्टेटमेंट है, अगर नींबू में सुई डालोगे और वो फिर सुई अगर आप वो नींबू वाला एसिड वाला सुई अगर दूध में डालोगे दूध फट जाएगा। तो ये जो विचारधारा में जो मिलावट हो रही है ये आंदोलन के लिए बहुत घातक है। मैं शुक्रगुजार हूं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का, जो आंदोलन में क्लियरिटी और विचारधारा में क्लियरिटी हो रहा, बिल्कुल समाज को अवेयर कर रहे हैं आने वाले खतरों से, जन आंदोलन के लिए इस अधूरे कारवा को पूरा करने के लिए बामसेफ ने जो आंदोलन चला रखा है वही उसी आंदोलन के माध्यम से मान्यवर कांतिराम साहब का सपना पूरा हो सकता है, अन्यथा उनके नाम पर बहुत सारे लोग संगठन बनाकर आंदोलन को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, वो बैरियर का काम करेंगे, बैरिकेडेड का रोकने का काम करेंगे। तो ये जो आंदोलन बामसेफ का जो आंदोलन चल रहा है, मान्यवर कांतिराम साहब ने बामसेफ के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने बामसेफ बनाया, वो बामसेफ अभी 31 राज्यों में 542 जिलों में 4000 तहसीलों में 22000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांव तक पहुंच गया है। मैं उन सभी नौजवानों को अपील करना चाहता हूं कि आप बामसेफ के द्वारा चलाए गए जितने भी ऑफशूट विंग है आप उसमें सक्रियता से सहभागिता और सक्रियता पुरवार करो। मान्यवर कांतिराम साहब का सपना आप इस देश में पूरा कर सकते हो, बशर्त ईवीएम का जो विरोध करता है। तो जो मान्यवर कांतिराम साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है, समझ जाना प्रॉब्लम दूसरा कुछ है। जो मान्यवर कांतिराम साहब के फोटो का नाम का इस्तेमाल कर रहा है और ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, समझ जाना हिडन एजेंडा दूसरा कुछ है। ले मैं इस मौके पर इतनी ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाना चाहते हो, आप अपने मौलिक अधिकारों को बचाना चाहते हो, आप अपने आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हो, आप इस देश में संविधान को बचाना चाहते हो, आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हो और आप अपने समाज को बहुजन समाज को बचाना चाहते हो, तो बहुजन समाज के SC/ST OBC माइनॉरिटी के सारे संगठनों को अपने प्लेटफॉर्म पर भी ईवीएम का आवाज उठाओ। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथी आकर उठाओ, आप अपने बैनर तले पर भी ईवीएम का आवाज उठाओ। इस ईवीएम का बंदोबस्त अगर नहीं करोगे तो आप बहुजनों को शासक वर्ग में तब्दील नहीं कर पाओगे। इसलिए आज के स्मृति दिन पर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जहां भी रहेंगे, जहां जिस भी संगठन में रहेंगे, जहां भी रहेंगे, विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, दुश्मनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ईवीएम का विरोध बिल्कुल करेंगे। ईवीएम के अगर विरोध में नहीं है और चुप रहते हैं तो इसका मतलब ईवीएम का समर्थक है आप। ईवीएम के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए हम पूरे तन मन धन से आज के दिन संकल्पना लेते हैं। इस देश में ईवीएम सबसे बड़ा अवरोध है, इस ईवीएम को हटाने के लिए सारे लोग इस मुहिम में, इस मिशन में आंदोलन चलाएंगे। ईवीएम विरोधी आंदोलन में आप लोग सक्रियता से सहभागी निभाओगे तभी आप लोग इस देश में कामयाब हो सकते हो। इतनी बात कहकर मेरी बात आपने ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय मनोहर सिंह।